मध्य प्रदेश सरकार ने शराब बिक्री को लेकर बड़े कानून बनाए हैं। इसके बावजूद भी शराब माफिया खुलेआम शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक दुकान बंद कराई जाती है तो कई दुकानें खोल लेते हैं और इन माफियाओं पर शासन प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आदिवासी बाहुल डिंडोरी जिले में शराब माफियाओं का राज चल रहा है, तभी तो पुलिस प्रशासन की चौकसी के बाद भी खुलेआम शराब बिक रही है। जिला मुख्यालय के हर तिराहे और चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इन कैमरों की मदद से शायद ही पुलिस ने आज तक इन लाइसेंसी दुकानों से आ रही अवैध शराब को पकड़ा हो। माफियाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जो जो शिकायतें जब भी कभी मिलती हैं तो कार्रवाई हमारी रोज कार्रवाई हो रही है जी। ये तो प्रतिबंधित है कोतवाली थाने क्षेत्र में, लेकिन जिन थानों में प्रतिबंधित नहीं भी है वहाँ भी अगर अवैध शराब की सूचना आ रही है तो कार्रवाई हो रही है, निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो राजसात की कार्रवाई हुई, एक व्यापारी कुंडम से ला रहा था, उस पर कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई। उसके बाद भी दो तीन बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कार्रवाइयाँ निरंतर हो रही है। आबकारी विभाग भी सतत हमारे संपर्क में है, उनसे से सहयोग ले रहे हैं। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने कहा कि लगातार हम इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। हम हमेशा से ही लोगों से नशा से दूर रहने का निवेदन करते हैं। हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश में शराब बंद कराई जाए। लगातार मैं इस विषय को लेकर के शासन प्रशासन और भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूं, करता रहता हूं कि भाई शराब को पूरी तरह से, मैं तो इस बात को लेकर हमेशा, आप मेरे भाषणों को भी सुने होंगे, कि नशा से दूर रहने के लिए हमेशा निवेदन करता हूँ। और जो समाज को नुकसान करने वाले जो चीज़ें हैं उससे समाज को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ इसमें सरकार को पूरी तरह से शराब को रोकने की आवश्यकता है। वहीं इस मामले पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अवधराज बिलैया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि नर्मदा तट के 5 किलोमीटर तक कोई भी शराब नहीं बिकेगी। शराब माफिया चोरी छिपे शराब का कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर शराब किसी भी कीमत पर नहीं बिकनी चाहिए। निश्चित रूप से डिंडोरी जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि मां नर्मदा के पावन तट पर से 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी शराब दुकान नहीं रहेगी, और इसके लेकर लगातार मैंने भी शासन प्रशासन से बातचीत की और शराबबंदी जो डिंडोरी नगर में है उसे बने रहने के लिए मैंने भी, और डिंडोरी नगर चूँकि मां नर्मदा के पावन तट पर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर शराब नहीं बिकना चाहिए, और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, डिंडोरी नगर में शराब नहीं बिकेगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।